आज हम खड़े हैं दिल्ली के बावड़ा इलाके में, जहाँ पे कल बीती रातें पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी थी और जहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 लोगों की झुलसे थे और उनमें से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनको बावड़ा के महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और मौके पर पहुंचे अजय माकन जी ने उन 17 लोग जो इंजर्ड हो गए थे उनका जायजा लिया। और देखने की बात यह है कि जो भी परिजन थे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मैं दुष्यंत कुमार, एवाई न्यूज। अपनी मेयर के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, जो मेयर यहाँ पर ऐसे इस प्रकार की सफेद अनशन बात जिन्होंने करी है। हमने यहाँ पे मजदूरों से जो बात करी है, मजदूर ये कह रहे हैं कि बाहर से ताला लगा दिया जाता है जिस वक्त फैक्ट्री चल रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। और कल इस हादसे के अंदर इतने लोग जो मारे गए हैं, उसका पीछे एक बड़ा कारण बाहर से ताला लगा करके अंदर काम करना भी है। और कल छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन ये काम यहाँ पर हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर छुट्टी के दिन बाहर ताला लगाकर भी काम हो रहा था, जिसकी वजह से इतनी जाने यहाँ पे गई। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी जब तक नहीं होगी, जब तक सभी डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली सरकार के अधीन हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन हो, वो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स की जाँच नहीं हो पाएगी। इसलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी काफ़ी नहीं है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सरकार अपने डिपार्टमेंट्स को बचा सकती है, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बवाना हॉस्पिटल के अंदर ICU, हमारे समय के ऊपर जब हॉस्पिटल बनाया गया तो ICU चलता था। सुरेंद्र जी मुझे बता रहे हैं, अब हम इसके बाद में सीधे वहां पर जाएंगे, अब हमें बताया गया कि ICU बंद कर दिया गया है। तो जब ICU बंद हो गया है, तो इस प्रकार के हादसे आगे भविष्य में भगवान ना करे कि हो, लेकिन ICU तो चलना चाहिए। कभी भी इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज के पास में ICU हॉस्पिटल के अंदर बंद कर दिया जाए तो यह भी ठीक नहीं है। हम लोग उसको वहां पर भी जाकर के देखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ICU जो बंद किया गया है वो ICU हॉस्पिटल का एकदम से ठीक किया जाए। तो यह हमारे दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों के जल करके मर जाना, ये बात को बताता है कि हमारे प्रशासन के अलग अलग तंत्रों में बहुत सारी कमियां हैं और इन सब चीज़ों को दूर करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, दोबारा से मैं दोहराना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि DSIDC, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमारा और फायर डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स के भी बारे में जो भी कमियां हैं उसकी जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको छोड़ा ना जाए। कॉरपोरेशन की तरफ से जो कमियां हुई हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो सैलरी मिलना चाहिए सर, वो मिल नहीं पा रहा है सर, इसके लिए आप हमें कुछ करें ताकि हम लोग आगे के लिए कुछ कर पाए सर। अभी कहाँ कोई कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर, और एक यूनियन आप, मैंने भी पूछा था ना, आपकी कोई यूनियन भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं, आवाज भी नहीं उठाने देते। ये आकर के आपसे मिले और हम लोग को है इन सब चीज़ों को, मैंने अभी यहाँ पे मीडिया को भी बोला है जी सर कि ये गलत है कि एक तो अंदर जो है इसे बंद करके काम करा रहे थे जी सर, सब मरे गए जी, वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकल पाए जी सर। दूसरा जो है तनख्वाहें, आप लोगों को 5,000 मिले तो दिल्ली में इससे बड़े शर्म की बात क्या जी 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 बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हमें सर दिल्ली इलाके में 5,000 रुपये क्या 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 मायने रखता है सर? मैं उसी साइड आऊँगा, अगर हम इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर घर के किसी सदस्य का अगर तबीयत खराब हो जाए, एक दिन छुट्टी कर लेते हैं तो 2 रोज के दिहाड़ी काट लिया जाता है सर, अगर 5 मिनट लेट आ गए तो 1 घंटे काट लिए जाते हैं सर। हम लोग बताइए गरीब आदमी, हम कहाँ से क्या करें सर? यही तो हम लोग नहीं, तो हम लोग क्या करें, गरीब आदमी क्या करें सर? अब ये जो है आप लोगों के लिए पार्ट टाइम में बुला लिए, पार्ट टाइम में अगर काम ना करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसलिए हम लोग को मजबूर होकर सर खाना पड़ेगा। चलो आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट में सर, कोई सुनने वाला नहीं है सर। हमारे
आधी जाने तो मतलब वैसे ही बन जाती है। अगर बताएं ये कोई हादसा हुआ इसके बारे में कुछ डिटेल से बताएं। सर ये हादसा हुआ इस बात का बड़ा दुख है हमें और उन सब परिवारों को अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की ओर से हम उन सब लोगों के प्रति द्रवित हैं जिन्होंने अपनी जानें यहाँ पर खोई हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है इतने कंजेस्टेड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी फायर क्रैकर फैक्ट्री का होना जिसके लिए नागपुर से एक्सप्लोजिव लाइसेंस लेना होता है ये आश्चर्य का विषय है। और ये आउट ये नियम में नहीं है रूटीन में नहीं है। पिछले 10 वर्षों में पूरी दिल्ली के अंदर पहला हादसा हमने ये सुना है कि एक्सप्लोजिव की कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही है। इस चीज़ के लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराए जो हादसा घटा है? सर इसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। सर्वप्रथम तो इस इंडस्ट्रियल एरिया की जो डेवलपमेंट की गई उसमें हमें सर्विस लेन प्रोवाइड नहीं की गई जो बहुत ज़रूरी थी हमारी सुरक्षा के लिए। घर में भी पीछे 10 फुट की सर्विस लेन जनरली DDL प्रोवाइड करती है और यहाँ DSIDC ने जो एरिया काटा यहाँ हजार्ड जो है कम से कम 10 गुना है रेजिडेंशियल एरिया के कंपैरिजन में और उसके बावजूद हमारे को सर्विस लेन नहीं दी गई। अगर होती तो फायर ब्रिगेड वाले बहुत सारी जानें बचा सकते थे। नंबर दो बात ये कि यहाँ पर नियम कानून इतने पुराने हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए जिनको आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है। समय के हिसाब से उन्हें ठीक किया जाना चाहिए था। हमें सिंगल विंडो नहीं दी गई है। यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है। यहाँ केंद्र सरकार का भी कानून चलता है, दिल्ली सरकार का कानून चलता है, MCD का कानून चलता है, DSIDC का चलता है, DDA का चलता है, बवाना इंफ्रा का चलता है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका कानून हमारे ऊपर लागू होता है और उनके इंटरेस्ट आपस में एक दूसरे से क्लैश भी करते हैं। सिमेट्री नहीं है उसकी वजह से हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। दूसरी बात हमें एजुकेट नहीं किया जाता है कि हमें करना क्या है, हमारा दायित्व क्या है। एक बार अगर हमें ये दायित्व बताया जाए तो हम उसको फॉलो करने का पूरा प्रयास भी करें। जितना हम जानते हैं पूरा प्रयास करते हैं कि हम उसको फॉलो कर पाएँ, नियम कानून को हम ठीक तरीके से समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करें। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री का हमेशा ये प्रयास रहा है कि एजुकेट करें अपने साथियों को, कैंप लगाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, अधिक से अधिक फॉलो करने का प्रयास करें। जिन परिवारों के आदमी एजेंट हुए उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, जिन परिवारों के आदमी हुए हैं एजेंट हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनकी सहायता कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी? देखिए हमें NGO हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसकी वित्तीय सहायता कर सकें, लेकिन मानवीय संवेदना के नाते हम उनके साथ हैं। सरकार ने उनके लिए 5 लाख और 1 लाख का प्रावधान माननीय केजरीवाल जी ने कल रात को घोषित किया है। आशा है उन्हें वो अतिशीघ्र मिल जाएगा। हमारा मुख्य प्रयास ये है कि बवाना के अंदर दोबारा से कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हम पूरा 1 महीने तक अब कैंपेन चलाएंगे और सभी साथियों को एजुकेट करेंगे, नियम कानून को बताएंगे और उसके लिए कैंप्स लगाएंगे। ठीक, इधर इधर सुनो, इधर लो आगे दो, इधर लो इधर।